गुड मॉर्निंग। और 29 के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली सुपर फैब लैब की स्थापना केरल में की गई है, ये आपको ध्यान रखना। सुपर फैब लैब इसमें 3D प्रिंटर का भी समावेश होता है। इसमें जो भी कार्य करने हैं तो उसका पहले डेमो तैयार इसमें किया जाएगा और ये बहुत यूजफुल रहेंगी। ये पहली बार अमेरिका से बाहर किसी देश में स्थापित की गई है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। सो बात हुई है केरल की, सो केरल कि अभी हमने पढ़ा था कि केरल के मल्लपुरम शहर को दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाला शहर में सूची में शामिल किया गया और टॉप किया है। और केरल CAA बिल के विरोध में प्रस्तावित पारित करने वाला प्रथम राज्य बना है, और अब 4 राज्य उसमें आ चुके हैं, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और केरल। और अगर ऐसा पूछा जाए कि कौन से राज्य में CAA बिल को लागू किया गया है, तो वो आएगा UP, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की कैबिनेट की विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है, ये आपको याद रखना है। सो आंध्र प्रदेश के CM है जगनमोहन रेड्डी। सो उन्होंने हाल ही में जो विधान परिषद होती है उसे समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। और आपको ख्याल होगा कि विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है हमारे इंडिया में, कौन से हैं, तो तमिलनाडु, तेलंगाना, UP, बिहार और महाराष्ट्र में है। सो ये 6 में है, अब आंध्र प्रदेश में भी उसे समाप्त किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने शिव भोजन थाली का योजना लॉन्च की है, आपको याद रखना है। सो इसमें क्या होगा ना, सिर्फ 10 रुपये में ही, सिर्फ और 10 रुपये में ही सभी जो भी गरीब लोग हैं उन्हें, मजदूर है, उसे 10 रुपये में पूरी थाली भोजन खिलाया जाएगा। सो मुंबई की महाराष्ट्र की बात आई तो महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई, CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। उद्धव सिंह ठाकरे अभी ही बने हैं, तो उद्धव ठाकरे कौन सी पार्टी से, शिवसेना से, आपको याद रखना है। और NCR से अजीत पवार डिप्यूटेड CM बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन करने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर है 2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। अगर ये 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो ये पूरे दुनिया का पहला ऐसा ट्रेन रेलवे होगा जो पूरे 100% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिका में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है, तो आंसर है तरनजीत कसह सिंधु को, आपको याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे। हैव ए नाइस डे।